What's up guys, I'm Amresh Kumar and welcome on my YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Today we will discuss about the normal form of bilinear transformation. जैसे कि मैंने previous video में बताया था, आज हम discuss करने वाले हैं normal form of bilinear transformation. तो normal form किन conditions में होगी वो हम बात करते हैं. तो ये भी most important theorem है आपकी, याद भी रखनी है आपको कि जब नॉर्मल फॉर्म है तो वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्म की दिखती है, किस फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं. तो वो कहता है कि इफ देयर इज ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट से की ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू पी जेड, जो भी होती है आपकी. वो कह रहा है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट हो Q, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू पी जेड का, देन आपने प्रूव करके दिखाना है, देन 1 अपॉन W माइनस Q इक्वल टू K प्लस 1 अपॉन Z माइनस Q. ठीक है, जो यहाँ पे k है वो एनी कांस्टेंट है. तो इसी फॉर्म को डियर स्टूडेंट्स आप बोलते हैं क्या, नॉर्मल फॉर्म. इसको नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है. जब वो कहे आपको कि भाई मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएं, तो प्रॉपर आपने क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसका प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखो क्यों क्या लिया है, इसका एक ही डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट लिया है. तो किसी भी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का फिक्स पॉइंट निकालना हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं इजीली वे में. तो मैं वहां से डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूं कि अगर मैं इसका फिक्स पॉइंट लिखता हूं तो फिक्स पॉइंट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स थे वो हम ऐसे लिख देते कि जेड इक्वल टू ए माइनस डी और प्लस माइनस ऐसे लिखते थे, अंडर रूट ऑफ डी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4bc माइनस माइनस प्लस हो जाता था 4 अपॉन 2c. ये था डिस्टेंस हमारे पास. प्लस वाले को हमने क्या लिया था, q लिया था, माइनस वाले को हमने r लिया था. अभी सिर्फ एक डिस्टेंस हम q को नाम दे देते थे a माइनस डी प्लस के साथ और r को नाम दे देते थे a माइनस डी माइनस के साथ. ठीक है, अब उसने कहा है कि हमारे पास ओनली वन फिक्स पॉइंट है सेक. अब आप यहां से चेक करें कि हमारे पास एक ही फिक्स पॉइंट कब होगा. ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर ये जीरो हो जाए आपका तो हमारे पास एक ही फिक्स पॉइंट होगा, क्योंकि प्लस जीरो माइनस जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो उसने दिया ही है कि वन फिक्स पॉइंट है, तो इसका मतलब ए ये आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जीरो है. तो उस केस में क्या होगा, फिक्स पॉइंट क्या जाएगा आपका, सिर्फ सिंगल ए माइनस डी बाई टू सी. उसको नाम दिया हुआ है क्यू, तो क्यू क्या है हमारा, ए माइनस डी बाई टू सी. ये दिया ए माइनस डी बाय टू सी. ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है. तो यहां से आप क्या करें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको. तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 2cq. ठीक है, और ये क्या है आपका, इक्वल टू ए माइनस डी. मैंने एक स्टेप में ए को लेफ्ट साइड ले आया तो माइनस ए इक्वल टू माइनस डी बचेगा. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, डी को प्लस का बना दें आप तो ये हो जाएगा ए माइनस 2cq इक्वल टू डी. इक्वेशन नंबर वन हमने इसको कंसिडर किया. स्टूडेंट्स, हमारे पास है सिंस Q इज फिक्स पॉइंट. अगर Q फिक्स पॉइंट है आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो जो फिक्स पॉइंट हम Q लेके चलते हैं, फिक्स पॉइंट के लिए जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है उसको भी सेटिस्फाई करेगा. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार आपके लिए. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो क्या थी हमारी, वो ये थी सी जेड स्क्वायर और आपका प्लस डी माइनस ए इंटू जेड और माइनस बी इक्वल टू जी. तो ये हमारी क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जो आई थी फॉर फिक्स पॉइंट, जब डब्ल्यू वो जेड पुट करते थे. तो अब इस इक्वेशन को भी क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा क्यू, क्योंकि क्यू क्या है इसका, फिक्स पॉइंट है. तो क्या हो जाएगा, सी क्यू स्क्वेयर प्लस डी माइनस ए इंटू क्यू और माइनस बी इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ से, सी क्यू स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका सी क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू माइनस ए क्यू
और माइनस बी इक्वल टू जीरो। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इसको, इसको लिखा सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू, और मैंने क्या किया बी को राइट साइड लेके गया, बी डी क्यू को भी राइट साइड लेके गया प्रीवियस थ्योरम की तरह, तो ये बन गया सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू इक्वल टू बी माइनस डी क्यू। इसको वन दिया है, इसको आप इक्वेशन नंबर टू दे दें। तो हमारे पास अभी ये दो रिजल्ट्स हैं, इन दो रिजल्ट्स की हेल्प से हमें प्रूव करना है कि वन अपॉन डब्ल्यू माइनस क्यू इस फॉर्म का है। तो हम इस फॉर्म को लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं, तो लेफ्ट साइड ली मैंने कि वन अपॉन डब्ल्यू माइनस क्यू क्या बनेगा, वन अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है हमारी ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी माइनस क्यू, ये होती है। अब क्या करें यहां से आप एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा विच इज इक्वल टू सी जेड प्लस डी, जो एलसीएम होगा वो आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो सी जेड प्लस डी अपॉन क्या बन जाएगा आपका ए जेड प्लस बी एज इट इज, तो ए जेड प्लस बी एज इट इज, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ सी क्यू जेड माइनस सी क्यू जेड और डी क्यू माइनस का हो जाएगा माइनस डी क्यू, तो ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम जो इक्वेशन वन की वैल्यू है और इक्वेशन टू से वैल्यूज है वो इसमें पुट करेंगे ये वाली फॉर्म बनाने के लिए। अब मुझे मैं क्या करता हूं इसको रफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो मेरे पास सिर्फ मैंने वन का यूज करना है, इसको लिख के रखेंगे हम, इसको हटा देता हूं यहां से, वन और टू को मैं लिखे रहने देता हूं। ठीक है, तो अब देखेंगे फ्रेंड्स क्या होगा, हम इसको अगेन लेके चले कि वन अपॉन डब्ल्यू माइनस क्यू इक्वल टू ये आ चुका है सी जेड सी जेड प्लस डी, डी की क्या वैल्यू है यहां से ए माइनस जेड की ए माइनस टू सी क्यू, ए माइनस टू सी क्यू वैल्यू है अपॉन अपॉन क्या है, अब देखें आप यहां से इसमें जेड और इसमें जेड कॉमन है, जेड कॉमन ले ले तो क्या बचेगा ए माइनस सी, जेड कॉमन ए माइनस सी क्यू बन गया आपका, और ये क्या प्लस बी माइनस डी क्यू, बी माइनस डी क्यू कहां से आया ये हमारा बाय इक्वेशन वन की हेल्प से आ गया हमारे। ठीक है, ये वन में डी की वैल्यू क्या थी ए माइनस टी सी क्यू टू सी क्यू, इसका अब हम रोल खत्म हो गया है, इसको यहां से रफ कर देते हैं। नेक्स्ट इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया विच इज इक्वल टू सी जेड माइनस टू सी क्यू प्लस ए अपॉन, यहां से डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे बी माइनस डी क्यू की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा जेड इंटू ए माइनस सी क्यू प्लस, अब बी माइनस डी क्यू की क्या वैल्यू है यहाँ पे सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू रख देते हैं यहाँ पे प्लस सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू, ये कहां से आया हमारा बाय इक्वेशन टू, इक्वेशन टू की हेल्प से हमारा आ चुका है। तो नेक्स्ट हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमने ये वाली फॉर्म लेके आनी है विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या है ए माइनस सी क्यू है, तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो पार्ट है टू सी क्यू इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, माइनस सी क्यू अलग और माइनस सी क्यू अलग, तो ये बन जाएगा सी जेड माइनस सी क्यू और प्लस ए माइनस सी क्यू। ठीक है, माइनस सी क्यू अगेन माइनस टू सी क्यू हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने इसको एज इट इज रखा अपॉन, इसको मैंने लिखा जेड कॉमन ए माइनस सी क्यू एज इट इज प्लस, यहां से भी कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा आपको क्यू कॉमन आ गया, तो बचा क्या ए माइनस सी क्यू माइनस सी क्यू माइनस ए बचा लिया। ठीक है, इन दोनों का रोल आपका फिनिश हो चुका है, तो मैं इसको यहां से अब रख कर देता हूं, थोड़ा और आपको सिंप्लीफाई करते जाएं अब आप इसको, तो जब वो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से देखिए आप a माइनस सी क्यू कॉमन आ जाएगा यहां से, तो मैं लिख देता हूं विच इज इक्वल टू ये क्या सी जेड माइनस सी क्यू और इसको लिख दो प्लस a माइनस सी क्यू अपॉन। ठीक है, अपॉन में क्या a माइनस सी क्यू मैंने कॉमन ले लिया, तो a माइनस सी क्यू आपका कॉमन, यहां से क्या बचा z बचा और यहां से क्या बचेगा आपका, क्योंकि a माइनस सी क्यू बनाना है तो माइनस का q आपको कॉमन लेना पड़ेगा z माइनस q। अब देखो ये अगर हम इसको क्या करें अब रेसिप्रोकल करें थोड़ी देर के लिए, इसके साथ अलग ले लें ये डेनोमिनेटर, इसके साथ अलग ले लें, तो क्या बन जाएगा आपका ये विच इज
इक्वल टू, ठीक है, क्या बनेगा बीच इज इक्वल टू। अब इन दोनों में भी क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो मैं ले लेता हूँ सी कॉमन, तो ये बना जेड माइनस क्यू, और इसके अपॉन में ये पूरा एज इट इज क्या क्या है, ये ए माइनस सी क्यू इंटू जेड माइनस क्यू, ये एज इट इज आपका। अब इसके साथ अलग प्लस ए माइनस सी क्यू बाय में ये क्या है आपका ए माइनस सी क्यू और आपका इंटू जेड माइनस क्यू, ये है। तो ए माइनस सी क्यू से ए माइनस सी क्यू कैंसिल, जेड माइनस क्यू से जेड माइनस क्यू कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू सी बाई ए माइनस सी क्यू। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं क्या आएगा, ये आएगा सी बाय ए माइनस सी क्यू और प्लस ए माइनस सी क्यू से ए माइनस सी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा वन अपॉन जेड माइनस क्यू, वन अपॉन जेड माइनस क्यू। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको नाम दे दे के, क्योंकि ये क्या है इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी वेरिएबल, तो ये क्या है सम कॉन्स्टेंट के प्लस वन अपॉन जेड माइनस क्यू। देखो लेफ्ट साइड क्या लेके चले थे हम, कि वन अपॉन डब्ल्यू माइनस क्यू क्या आ जाए के प्लस वन अपॉन जेड माइनस क्यू, वेयर के इज सम कॉन्स्टेंट, इसी को क्या कहते हैं हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। डियर फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है आप कॉमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें, और वीडियोज को लगातार देखते रहिए।